Hey guys, what's up? Welcome back to my channel Clash with Aways, जहाँ मैं आपको सिखाता हूँ Clash of Clans की strategies जो आपको easily 3 स्टार दिला सके होम बेस और बिल्डर बेस दोनों में. यो गाइस, तो उम्मीद है आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे रॉयल गोस्ट के ऊपर. रॉयल गोस्ट का एक्सप्लेनेशन था, उसकी एबिलिटीज कैसे यूज़ करनी है, कैसे यूज़ कर सकते हैं हम रॉयल गोस्ट को, कैसे यूज़ करना है वो मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था. और उसके पहले रॉयल गोस्ट का एक वॉर अटैक दिखाया था आपको TH9 वर्सेस TH14. तो और अगर मैं वो वीडियोस नहीं देखे होंगे तो अभी जाके देखेगा, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा. और दोनों वीडियोस फुल देखेगा और ये वीडियो भी पूरा देखेगा. तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उन्हें मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए. ये एक बहुत ही एक्टिव चैनल है, सो आपको नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे रोज़. तो चलिए अब आज बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ. आज मैं आपको बताने वाला हूँ TH9 से लेकर TH14 तक की सारी स्ट्रेटजीज जो आप यूज़ कर सकते हैं रॉयल गोस्ट को लेकर. सो पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा गाइस, आपको जो भी टाउन हॉल हो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा. तो चलिए टाउन हॉल 9 के लिए हम आर्मी यूज़ करने वाले हैं, वो है गीविच. 8 जायंट्स लेंगे, 6 रॉयल गोस्ट, 10 विचिज और 6 वॉल ब्रेकर्स. और स्पेल आप देख सकते हैं हील, रेज, जंप स्पेल और फ्रीज. और सीसी में हमने लिए आइस गोलम और जायंट्स. चलिए दिखाता हूँ आपको करके अटैक. पूरा वीडियो अच्छे से दिखेगा गाइस, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कौन से टाउन हॉल पे कौन सी स्ट्रेटजी अच्छी यूज़ करनी है और आपको 3 स्टार भी मिल सकते हैं. रॉयल गोस्ट जो है वो अभी 11 डेज के लिए और अवेलेबल है, सो आप इसका फुल बेनिफिट उठा सकते हैं अच्छी लूट के लिए. देख सकते हैं अब ये देखिए वॉल में से फेज होकर वो अंदर चला गया, क्योंकि तब वो इनविजिबल मोड ऑन था उसका. और सीधा वो डिफेंसिस ऐसे डाउन कर जाएगा, देख सकते हैं आप यहाँ पर. रॉयल गोस्ट का जो अटैकिंग स्टाइल है वो एकदम बैका की तरह है, यानी कि वो बहुत ही हार्ड अटैक करता है. अब हमने रॉयल गोस्ट यूज़ करके फनल क्रिएट कर दिया अच्छा सा. तो अब हम डालेंगे सारे जायंट्स, विचिस और वॉल ब्रेकर्स. हीरोज और सीसी डालने के लिए थोड़ा वेट कीजिएगा, थोड़ी देर बाद डालेंगे हम. फिर स्पेल्स यूज़ कर लेंगे, हील, रेज और जंप डाल दिया मैंने वहाँ पर, ताकि सारे हीरोज जंप करके सेंटर में पहुँच जाए. देख सकते हैं आप सो गाइस कीप सपोर्टिंग मी. आप अच्छे वीडियो आ रहे हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे. तो ये अटैक देखिए आप बढ़ रहा है 3 स्टार की तरफ. देख सकते हैं हम 3 स्टार कर पाते या नहीं, दिखाता हूँ आपको कैसे 3 स्टार करेंगे ये स्ट्रेटजी से हम रॉयल गोस्ट यूज़ कर. टाउन हॉल 9 पे हमें इतने रॉयल गोस्ट यूज़ करने, वो हमने यूज़ किए इस आर्मी में, तो हमारा इवेंट भी इजीली कंप्लीट हो जाएगा. और यहाँ पर एक फ्रीज बचा था वो यूज़ कर लिया विजार्ड टावर के ऊपर. आर्चर क्वीन फुल हेल्थ पे, साथ ही साथ वहाँ पर आइस गोलम और जायंट्स भी दिख रहे होंगे आपको, साथ में विचिस भी है. और डिफेंसिस अब थोड़े ही बचे तो हम, मुझे लग रहा है इजीली हम ये अटैक 3 स्टार कर जाएंगे गाइस. क्या लगता है आपको कमेंट करके बताइए 3 स्टार हो पाएगा या नहीं. सो गाइस कम्युनिटी भी मेरी अनलॉक हो चुकी है, तो कम्युनिटी में भी मैं पोस्ट डालते रहूँगा, आपसे चैट करते रहूँगा फ्रीक्वेंटली. सो कीप सपोर्टिंग मी गाइस, और ऐसे ही हम नए नए वीडियोज़ अच्छे वीडियोज़ बनाते रहेंगे आपके लिए. और देख सकते हैं आप कितना इजीली अटैक हो जो 3 स्टार होने वाला है. दूसरे अटैक मैंने ये टाउन हॉल 9 पे देखे कि सब फुल रॉयल गोस्ट आर्मी लेके जाता है, यानी कि 26 रॉयल गोस्ट और एक विजार्ड की स्पेस बची है तो विजार्ड ले जाते हैं, यानी या फिर आर्चर ले जाते. पर वो अटैक जो है वो हमेशा फेल होता है, कोई कोई चांसेस होते हैं कि पास हो जाता है, लेकिन वो भी कैसे 1 स्टार मिले आपको 50% ऐसा अटैक जाता है वो. तो इसलिए आप ये अटैक यूज़ कीजिए. यहाँ पर हम 6 रॉयल गोस्ट यूज़ कर रहे हैं, यानी कि हम इवेंट आराम से पूरा कर सकते हैं. इवेंट की ये मांग है कि हम 6 रॉयल गोस्ट यूज़ करें टाउन हॉल 9 पर, तो वो हम कर रहे हैं, तो इजीली हम इवेंट कंप्लीट कर जाएंगे यहाँ पर. तो चलिए अब बढ़ते हैं टाउन हॉल 10 की तरफ. अब टाउन हॉल 10 की आर्मी बताऊँगा मैं आपको. टाउन हॉल 10 पर हम यूज़ करेंगे हो वाइप आर्मी, उसका भी वीडियो मैं पहले डाल चुका हूँ, तो आपको अगर वो देखना हो तो वो भी देख सकते हैं. 4 पैकास, 10 हॉक राइडर्स, 6 रॉयल गोस्ट, 10 विजर्ड्स और स्पेल्स जो हमने पहले लिए थे वही. और सीसी में बॉलर्स और लॉग लॉन्चर और फ्रीज. तो चलिए बढ़ते हैं लाइव अटैक की तरफ, दिखाता हूँ आपको इस आर्मी से आप कैसे 3 स्टार करें. पहले तो यही कि रॉयल गोस्ट से आपको फनल क्रिएट करना है, तो कॉर्नर बेसिस कॉर्नर साइड पर
रॉयल गोश्त डाल देंगे एक एक कर कर। देख सकते हैं आप, चार रॉयल गोश्त छोड़ दिए मैंने। टाउन हॉल 10 पर भी ये क्राइटेरिया है कि हम 6 रॉयल गोश्त यूज़ करें, तो हमने 6 रॉयल गोश्त यूज़ कर लिए, तो इजीली हमारा ये इवेंट भी कंप्लीट हो जाएगा टाउन हॉल 10 पर अगर ये अटैक हम यूज़ करते रहे। और इसमें भी 3 स्टार मिलने के चांसेस काफ़ी है, तो 3 स्टार भी मिलेंगे हमें। दिखाता हूँ आपको कैसे 3 स्टार होगा, चलिए देखते हैं 3 स्टार हो पाता या नहीं। तो हम डाल देंगे सारे पैकास, विजर्ड्स, लॉग लॉन्चर, और जैसे ही वे क्लियर हो जाए फिर हम डालेंगे हीरोज। हॉक राइडर्स अभी होल्ड करके रखना है, जैसे कि हो वाइप में हम नॉर्मली करते हैं। और हील स्पेल्स भी बचा के रखने हैं हॉक राइडर्स के लिए, तो अभी हम सिर्फ रेज स्पेल यूज़ करेंगे। तो देख सकते हैं आप, टाउन हॉल इजीली डाउन हो चुका है, एक इन्फर्नो भी डाउन हो चुका है, सिर्फ बचा एक लास्ट इन्फर्नो, वो भी अब डाउन हो जाएगा इजीली। और एक और रेज बचा है तो वो भी यूज़ कर लेंगे हम, और जंप स्पेल डाल देंगे। अब हमारे हॉक राइडर्स बचे हैं तो हॉक राइडर्स शुरू कर देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, अगर आपको हॉक राइडर्स कम लग रहे हैं तो आप एक पैका छोड़कर हॉक राइडर्स भी ले सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हमारा अटैक 3 स्टार हो पाता है या नहीं। यहाँ पर हॉक्स के लिए हम यूज़ करेंगे अब हील स्पेल। डिफेंस में आप देख सकते हैं अब सिर्फ कैनन और आर्चर टावर ही बचा है, विजर्ड टावर तो अपग्रेड पर है, और हील स्पेल भी हमारे पास एक फुल बचा है, तो इजीली अटैक 3 स्टार हो जाएगा यहाँ पर हॉक राइडर्स की मदद से, क्योंकि डिफेंसिस तो अब वो इजीली डाउन कर जाएंगे। सिर्फ बचा एक लास्ट आर्चर टावर, और अब वो भी डाउन होने वाला है। तो इसी के साथ आप गाइस हमारा अटैक होने वाला है 3 स्टार। यहाँ पर देख सकते हैं आप, बाहर हमारा बार्बिन किंग भी है, वो भी एबिलिटी के साथ बचा हुआ है, पैका है उसके साथ, बॉलर है, आर्चर क्वीन भी फुल हेल्थ पर है। तो देख सकते हैं आप कितना इजीली हमने अटैक 3 स्टार कर दिया यहाँ पर टाउन हॉल 10 पर। गाइस पूरा वीडियो ध्यान से देखेगा, हर एक टाउन हॉल के लिए मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, टाउन हॉल 10, टाउन हॉल 9 से लेकर टाउन हॉल 14 तक। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए देख सकते हैं आप, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर हमें 3 स्टार मिल चुका है, ऑसम गाइस। और अब लूट भी मिल चुकी है, क्लैन गेम्स का चैलेंज भी कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाउन हॉल 11 के ऊपर। यो, तो हम आ चुके हैं टाउन हॉल 11 आईडी में। देख सकते हैं अब ये आईडी भी थोड़ी मैक्स होने वाली है लगभग। तो अब यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं पैका स्मैश आर्मी, 4 पैकास यूज़ करेंगे, 5 हीलर्स, और अब यहाँ पर हमें 8 रॉयल गोस्ट यूज़ करने, 2 बलून्स लिए, और 8 वॉल ब्रेकर्स। सीसी है हमें हाइब्रिड स्ट्रेटजी की सीसी है, हॉग राइडर, सीज बैरक्स, पॉइजन और फ्रीज। ये बेस बहुत इजी था इसलिए इस पर नहीं अटैक कर रहा हूँ, ये भी बहुत इजी है। टाउन हॉल 11 एक परफेक्ट बेस ढूंढते चलिए, ये बेस मिल चुका है, अब यहाँ पर हम अटैक करेंगे। पहले तो सीसी चेक कर लेते क्योंकि हम पैका आर्मी यूज़ करने वाले। वॉल ब्रेकर से देखिए सीसी चेक कर लिए, सीसी एम्प्टी है, तो अब हम दूसरी साइड से अटैक कर सकते हैं, टाउन हॉल साइड से हम अटैक करेंगे। तो अब यहाँ पर रॉयल गोश्त है, पहले फनलिंग शुरू कर देते हैं। देख सकते हैं आप, 2-2 करके पहले रॉयल गोश्त छोड़ दिए मैंने। रॉयल गोश्त छोड़ने में आप कभी भी जल्दबाजी मत कीजिएगा, यानी कि सारे रॉयल गोश्त एक साथ मत छोड़िएगा। उससे अगर क्या होगा, अगर कहीं पे जायंट बॉम्ब निकला तो सारे रॉयल गोश्त एक साथ एक ही ब्लास्ट में मर जाएंगे। यहाँ पे रॉयल गोश्त ने वार्डन और 2-3 हिडन टेस्ला इजीली डाउन कर दिए। हमने पहले बलून डाले, फिर पैकाज, फिर हीरोज, सीज बैरक्स और वॉल ब्रेकर से वॉल तोड़ देंगे। तो अब देख सकते हैं हमारी आर्मी जो है वो अंदर जा चुकी है, तो हम रेज यूज़ कर लेंगे और हील नहीं जंप स्पेल डाल दिया यहाँ पर, देख सकते हैं, और एक जंप स्पेल यूज़ कर लेंगे आगे की तरफ बढ़ के। तो देख सकते हैं आप कितना इजीली जो है हमारे सारे ट्रूप्स के अंदर जा चुके हैं सेंटर में एकदम, और इजीली जंप भी एकदम परफेक्टली हो जा रहा है। तो देख सकते हैं आप कितनी परफेक्ट आर्मी है ये टाउन हॉल 11 के लिए। यहाँ पर इजीली हम 3 स्टार करने की कोशिश कर रहे हैं। सीज बैरक्स के हॉक राइडर्स निकले हैं, वो भी डिफेंसिस डाउन कर रहे हैं, और पैकास भी साथ में रेज के साथ, पैकास बहुत ही बढ़िया एक्ट करते हैं, तो 2-2 रेज है हमारे पास। चलिए अब इजीली देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया से हमने
अटैक कर लिया है हमारा यहाँ पर 3 स्टार क्यों। सो इसी के साथ गाइज हमारा और एक अटैक हो चुका है 3 स्टार बैंगन। अब हम एक स्पेशल आईडी दिखाऊंगा आपको, अगर आपकी आईडी रश हो तो क्या करना है। कई लोगों की रश आईडीज होती है, इसके बाद उसके बारे में भी बताऊंगा आपको, रश आईडीज में आप कैसे अटैक कर सकते हैं और ख़ासकर एयर आर्मी में कैसे अटैक करना है वो नेक्स्ट में हम बताएंगे। चलिए चलते अब उसकी तरफ, नेक्स्ट आईडी में रश TH11 आईडी तो देख सकते हैं आप, काफ़ी रश आईडी है इसमें। हम क्या रस्ट आईडी वाले लोग काफ़ी ड्रैगन ही यूज़ करते, तो मैं ड्रैगन आर्मी बता रहा हूँ आपको। 7 जो है रॉयल गोस्ट यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, TH11 पे 7 रॉयल गोस्ट यूज़ करना है तो इवेंट भी कंप्लीट हो जाएगा। 8 जो है हमने ड्रैगन्स लिए, फिर लाइटनिंग और रेज लिए और स्टोन स्लैमर तो है ही। चलिए अब शुरू करते हैं हमारा अटैक यहाँ पर। यहाँ पर ये रस्ट आईडी है तो मेरा देख सकते हैं आप लाइटनिंग भी बहुत लो लेवल है, तो इसलिए एयर डिफेंस डाउन करने में दिक्कत हो रही है। लेकिन फिर भी हम 3 स्टार करने की ट्राई करेंगे, आपको दिखाते हैं कैसे 3 स्टार करना है रस्ट आईडीज में भी ड्रैगन्स को यूज़ करके। तो पहले ड्रैगन्स को भी बहुत ही बढ़िया फनल क्रिएट करके देंगे हम रॉयल गोस्ट यूज़ करके। देख सकते हैं आप क्या ही बढ़िया फनल क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पर आर्चर क्वीन भी डाउन कर दिया, देख सकते हैं आप रॉयल गोस्ट ने कितनी इजीली, और अब वो इन्फर्नो की तरफ जा रहा है। एक रॉयल गोस्ट हम बचा के रख रहे हैं अभी, तो हमने सारे ड्रैगन्स डाल दिए, स्टोन स्लैमर और वार्डन हीरोज भी अभी बचा के रखे। रेज यूज कर लेंगे अब यहाँ पर, अब देख सकते हैं अब यहाँ पर टाउन हॉल भी डाउन होने वाला है। अब यहाँ पर देखिए मैंने रॉयल गोस्ट को डिप्लॉय कर दिया है, एक्सपो की तरफ वो जा रहा है। एक्सपो तो स्टोन स्लैमर ने ऐसे ही डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन तो गाइज आप इस बार कमेंट बॉक्स पूरा भर दीजिए कमेंट से, आप बताइए मुझे कैसे लग रहे हैं आपको मेरे वीडियोस। अगर पसंद आए तो पसंद बताइए, कुछ नहीं पसंद आया होगा तो वो भी बताइएगा, मैं नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करने की ज़रूर कोशिश करूँगा आपके लिए और बेस्ट क्वालिटी वीडियोस आपको प्रोवाइड करते रहूँगा क्लैश ऑफ क्लैंस के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इजीली हमारा अटैक यहाँ पर 3 स्टार होने वाला है। स्टोन स्लैमर ने ज़्यादा से ज़्यादा काम कर दिया, स्टोन स्लैमर अभी भी एक्टिव है, तो इजीली अटैक हमारा हो चुका है 3 स्टार रॉयल गोस्ट ड्रैगन अटैक। तो आप ये कोई भी रस्ट आईडी में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाउन हॉल 12 की तरफ। 9, 10, 11 का देख चुके हैं, अब बढ़ेंगे टाउन हॉल 12। ये तो मेरी पूरी मैक्स आईडी है, यहाँ पर आपको कोई टेंशन नहीं है, आप पूरी तरह से अच्छे से सीख सकते हैं। यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं पैका स्मैश आर्मी, हम यूज़ करने वाले 4 पैकास, 5 बॉलर्स, 5 हीलर्स, 7 रॉयल गोस्ट, 2 बलून, 7 वॉल ब्रेकर्स और स्पेल्स में हमने लिए अर्थक्वेक स्पेल, जम्प स्पेल, रेज स्पेल और CCO हाइब्रिड वाली है। चलिए अब करते हैं अटैक। यहाँ पर भी देखिए वॉल ब्रेकर से मैं CC चेक कर रहा हूँ, तो अब CC में बलून्स है तो 40 की स्पेस है, तो ज़्यादा बलून्स निकलेंगे, इसलिए मैं थोड़ा लेट और वॉल ब्रेकर डाल के देख रहा हूँ। देखिए धीरे धीरे करके सारे बलून्स निकल रहे हैं। चलिए अब हमारा अटैक शुरू कर देते हैं। पॉइजन ने सारे बलून्स डाउन कर दिए, सिर्फ एक बच चुका है, तो अब रॉयल गोस्ट हम फलनिंग शुरू कर देंगे। ये देख सकते हैं आप रॉयल गोस्ट अंदर जाकर डिफेंसिस भी इजीली डाउन कर रहा है।
देख सकते हैं क्या बढ़िया फनल क्रिएट हो चुका है। तो हम डाल देंगे सारे पैकास, बॉलर्स, हीलर्स, हीरोज, वॉल ब्रेकर्स, और फिर लास्ट में डालेंगे हमारा सीज बैरक्स। ये अटैक में आप याद रखिएगा सीज बैरक्स एकदम लेट छोड़ना है थोड़ा, ताकि हॉक राइडर्स लास्ट में निकल के डिफेंसिस को डाउन कर सके। तो हमने अर्थक्वेक यूज़ करके वॉल्स डाउन कर दिया यहाँ पर, और पैकास को रेज दे देंगे तो वो बहुत ही फास्ट अटैक कर देंगे। और जंप स्पेल भी हमारे पास, तो आखिरी में वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, इजीली टाउन हॉल डाउन हो चुका है, और इसी के साथ हमारे सीज बैरक्स में से हॉक राइडर्स निकल चुके हैं। तो देखिए इतना इजीली वो लोग डिफेंसिस के ऊपर बढ़ चुके हैं, और हमारी बाकी की आर्मी भी अटैक करते हुए, पैकास, बार्बेरियन किंग देख सकते हैं आप, सारे हीरोज ऑलमोस्ट फुल हेल्थ पर है अभी भी, और हॉग राइडर्स भी उनकी मदद करते हुए। इसलिए मैंने बोला था कि सीज बैरक्स थोड़ा सा लेट छोड़िएगा, नहीं तो क्या होगा, हॉग राइडर्स अकेले आगे निकल जाएंगे और वो मर जाएंगे, और फिर आपके हीरोज पीछे अकेले रह जाएंगे और ट्रूप्स भी पीछे अकेले रह जाएंगे। इसलिए ये दोनों का साथ में चलना बहुत ही ज़रूरी है, देख सकते हैं आप। तो इसी के साथ हमारा टाउन हॉल 12 आईडी का भी अटैक होने वाला है, 3-स्टार अटैक। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पूरा पसंद आया होगा। सारे टाउन हॉल के लिए मैं स्ट्रेटजीज बता रहा हूँ, फुल रॉयल गोस्ट आर्मी मत यूज़ कीजिएगा, क्योंकि उसमें कई बार फेल हो सकते हैं आप। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अटैक पर, टाउन हॉल 12 का। टाउन हॉल 12 आईडी से मैं एक अटैक बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं होवाइप आर्मी टाइप अटैक, जिसमें हम सुपर वार्बेरियन भी यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए ये अटैक भी शुरू करते हैं हमारा होवाइप वाला। इसमें हम क्या करेंगे, 7 लाइटनिंग्स और 1 अर्थक्वेक से हम ईगल आर्टिलरी को डाउन करने वाले, और उसके साथ ही साथ हमें साइड बिल्डिंग्स को भी लपेट लेना है। तो यहाँ पर देखिए ईगल आर्टिलरी के एग्जैक्ट बाजू में ये 2 एक्सपोज, तो हम अगर एग्जैक्ट ईगल आर्टिलरी पर डालेंगे तो दोनों एक्सपोज और विजर्ड टावर भी इजीली डाउन हो जाएगा। तो दिखाता हूँ आपको, देखिए 5 लाइटनिंग एक साथ डाल दी, क्योंकि 5 लाइटनिंग और 1 अर्थक्वेक से एक्सपो डाउन होता है टाउन हॉल 12 पर। और ये देख सकते हैं आप, इजीली हमारी पूरी ईगल आर्टिलरी डाउन हो चुकी है। तो अब सिर्फ इन्फर्नोज बचे हैं मेन डिफेंस में, अब जहाँ पर हम रॉयल गोस्ट से फनलिंग करना शुरू कर देंगे। ये देख सकते हैं आप रॉयल गोस्ट, आप देखे आर्चर क्वीन को कैसे रॉयल गोस्ट डाउन करेगा वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आर्चर क्वीन जो है वो बाहर है, तो अब एक रॉयल गोस्ट डाल के हम आर्चर क्वीन को डिस्ट्रॉय करेंगे। देख सकते हैं आप कितना, एक ही अटैक में आर्चर क्वीन की हाफ हेल्थ हो गई और सेकेंड में डाउन भी हो गई। तो अब हम सारे ट्रूप्स डाल देंगे, पैकास, लॉक लॉन्चर, सुपर बार्बेरियन, और लास्ट में हीरोज डालेंगे, और फिर हॉग राइडर्स। लॉक लॉन्चर के अंदर भी हमारे हॉग राइडर्स है, और अब वार्डन एबिलिटी कर लेंगे यूज। पॉइजन बच गया था तो मैंने ऐसे कहीं भी डाल दिया है। ये आप देख सकते हैं लॉक लॉन्चर के अंदर से हॉग राइडर्स निकल चुके, और ये एक इन्फर्नो डाउन कर दिया है हॉग राइडर्स ने। और यहाँ पर पैका के साथ देख सकते हैं सुपर बार्बेरियंस भी है। यहाँ भी हमारा लास्ट अटैक जैसा ही हो रहा है, पैकास के साथ ही है हॉग राइडर्स, तो इजीली अटैक हो जाएगा हमारा 3-स्टार अटैक। और वहाँ पर बार्बेरियन किंग जो है वो भी अटैक कर रहा है दूसरी साइड, तो इन्फर्नो डाउन करके आएगा वो। ये देखिए बार्बेरियन किंग ने इन्फर्नो डाउन कर दिया, और इसी के साथ हमारा अटैक हो चुका है 3-स्टार। तो अभी तक हमने देखा है 9, 10, 11 और 12 की 2 अटैक्स। तो अब हम चलते हैं टाउन हॉल 13, 14 की तरफ। मेरे पास टाउन हॉल 13 की आईडी नहीं है, 14 है, और वो भी रश है।
तो आपको उसी से अटैक दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पर टाउन हॉल 13 और 14 दोनों की आर्मी स्पेस सेम है, तो आप टाउन हॉल 13 पर भी यही आर्मी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एयर अटैक यूज़ करने वाले 9 ड्रैगन्स, 8 रॉयल गोस्ट, 6 बलून्स और 1 ड्रैगन राइडर, और स्पेल्स में हम लेने बैट्स और फ्रीज। यहाँ पर ये मेरी रस्ट आईडी और साथ ही साथ मेरा वार्डन और रॉयल चैंपियन दोनों अपग्रेड पर है, तो इसलिए अटैक करना मुश्किल होगा। यहाँ पर 3 स्टार नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी आपको अटैक कैसे करना है वो दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पर देखिए एक जो स्कैटर शॉट है वो बाहर है, तो उसे हम रॉयल गोस्ट से डाउन करने की ट्राई करेंगे। तो चलिए अब रॉयल गोस्ट शुरू कर देते हैं हमारे फनल क्रिएट करना। और उस तरफ देखिए एक्सपो भी एक बाहर है, तो वो भी हम रॉयल गोस्ट से इजीली डाउन कर देंगे। अब ये देखिए स्कैटर शॉट जो है वो रॉयल गोस्ट के निशाने पर, और ये रॉयल गोस्ट ने स्कैटर शॉट डाउन कर दिया है। अब एक्सपो की बारी है, यो, और इसी के साथ एक्सपो भी डाउन हो चुका है गाइस। और आप देख सकते हैं अब डार्क एलेक्सा स्टोरेज भी डाउन हो जाएगा इजीली। सो अब रॉयल गोस्ट ने अपना काम कर दिया है, अब हम चालू कर देंगे हमारा मेन अटैक। एयर डिफेंस भी एक डाउन कर दिया उसने इजीली। यहां पर हम जैप अटैक भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे रॉयल चैंपियन और वार्डन दोनों नहीं है, तो इसलिए ये अटैक बहुत ही हार्ड होने वाला है, क्योंकि टाउन हॉल का जो पॉइजन है वो भी हमें इफेक्ट हमारे ट्रूप्स को झेलना पड़ेगा, और रॉयल चैंपियन नहीं है तो काफ़ी डिफेंसेस भी बच जाएंगे। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं वार्डन की कमी कितनी महसूस हो रही है। टाउन हॉल हम नहीं डाउन कर पाए क्योंकि वार्डन एबिलिटी नहीं थी हमारे पास। चलिए ये अटैक खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी हमें 1 स्टार तो मिल ही चुका है, तो हमारा इवेंट भी इजीली कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। और टाउन हॉल 14 में आप दूसरी भी एक अटैक यूज कर सकते हैं, वो जो इलेक्ट्रो अटैक हम यूज़ करते हैं। कई लोग जो रस्ट आईडीज होती है उसमें इलेक्ट्रो मैक्स होता है, इसलिए हम इलेक्ट्रो आर्मी भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। 11 बलून, 6 इलेक्ट्रो ड्रैगन्स और रॉयल गोस्ट। और अब यहाँ पर ग्राउंड आर्मी बता रहा हूँ आपको टाउन हॉल 13 और 14 के लिए, इसमें हम यूज़ करेंगे 8 रॉयल गोस्ट, 6 एटीज, 10 विचिस और बैट्स। और सीसी में हमने यहाँ पर लिए 2 एटीज, 1 वॉल्कायरी और 1 बार्बेरियन। यहाँ पर जैसे ही हम रॉयल गोस्ट से फनल करते हैं वैसे कर रहे हैं यहाँ पर भी। मेरे पास और कोई बेस अवेलेबल नहीं था अटैक के लिए, इसलिए मैं अपनी टाउन हॉल 12 मैक्स आईडी पर अटैक करके दिखा रहा हूँ आपको। और क्योंकि हमारे पास वार्डन और रॉयल चैंपियन नहीं है इसलिए अटैक हार्ड भी है इसलिए। तो चलिए देखते हैं इस बेस पर हम 3 स्टार कर पाते हैं या नहीं विदाउट वार्डन और विदाउट रॉयल चैंपियन। तो सारे ट्रूप्स हमने छोड़ दिए और रेज भी यूज़ कर लिया है, तो अब देखिए टाउन हॉल की तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं। और वार्डन एबिलिटी भी नहीं है, तो हमारे सारे ट्रूप्स को गीगा टेस्ला का ब्लास्ट भी झेलना पड़ेगा। और अभी सीसी में से हमारे एटी और वॉल्कारी निकल चुके हैं, और सीसी में से सुपरमैन भी निकल चुके हैं जिस पर मैंने पॉइजन डाल दिया है। और फ्रीज हमें जो है वो बैट के लिए बचा कर रखना है, इसलिए मैंने यूज़ नहीं किया अभी फ्रीज। विजार्ड टावर को करते रहना है फ्रीज, बैट शुरू कर दी हमने। तो चलिए अब देखते हैं अटैक 3 स्टार हो पाता या नहीं विदाउट वार्डन एंड विदाउट रॉयल चैंपियन।
ओह बच गया, बहुत ही बढ़िया, हमारे बैट्स बच चुके हैं यहाँ पर विजर्ड टावर से। एकदम एंड में विजर्ड टावर डाउन हो चुका है, अब सारे डिफेंसेस डाउन हो चुके हैं, सब ये अटैक हमारा इजीली 3-स्टार हो जाएगा। टाइम भी हमारे पास बचा हुआ है और बैट जो है वो एकदम स्पीडीली एक्ट करते हैं, तो इजीली अटैक हमारा हो जाएगा एक 3-स्टार अटैक गाइस। विचेस के स्केलेटन भी आप देख सकते हैं कितने हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऑलमोस्ट मेन टाउन हॉल्स के लिए मैंने आपको अच्छी अच्छी स्ट्रेटजी बता दी है, रॉयल गोस्ट के साथ आप कैसे 3-स्टार कर सकते हैं, वॉर में भी यूज़ कर सकते हैं ये स्ट्रेटजीज 3-स्टार करने के लिए। और इसमें तो सुपर मिनियन भी था इसलिए अटैक बहुत ही बढ़िया हुआ है विदाउट रॉयल चैंपियन एंड विदाउट वार्डन। और एक अटैक बता हुआ था वो आपको टाउन हॉल 13-14 के लिए, ये हम यूज़ करने वाले पैकाबो बैट अटैक, 5 बैकर्स, 6 बॉलर्स, 5 हीलर्स और सीसी वही सेम है। रॉयल गोस्ट यहाँ पर हमने फनलिंग शुरू कर दिया है, तो देखिए बहुत ही बढ़िया फनल क्रिएट हो चुका है। डबल कैनन भी इजीली डाउन हो जाएगा। तो अब हम चालू कर देंगे हमारा मेन अटैक, डाल देंगे पहले जायंट, फिर सारे पैकर्स, बॉलर्स, वॉल ब्रेकर। वॉल ब्रेकर की जगह पे आप लॉक लॉन्चर भी ले सकते हैं। और हीरोज डाल दिए, वार्डन और रॉयल चैंपियन हमारे पास है नहीं, एक बच्चा हुआ जो रॉयल गोस्ट था वो एक्सपो की तरफ डाल दिया है मैंने, तो वो अनडिटेक्टेडली एक्सपो को भी डाउन करके आ जाएगा देख सकते हैं आप। और इसी में से सुपर मिनियन निकल चुके हैं तो उस पर हम डाल देंगे पॉइजन और टाउन हॉल को कर दिया है फ्रीज। तो अभी टाउन हॉल का जो गीगा ब्लास्ट था वो ट्रूप्स को भी लगा है और हमारे पास हील नहीं है लेकिन हीलर है, तो चलिए देखते हैं अटैक 3-स्टार हो पाता है या नहीं। तो अब हम शुरू कर देंगे हमारे बैट्स, तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी रेकमेंड कीजिएगा मेरा चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। फॉर मोर अपडेट्स हिट द बेल आइकन। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैट्स ने कितना बढ़िया काम किया है, विजर्ड टावर को रखना है फ्रीज और अब फ्रीज नहीं बचा हमारे पास, देखते हैं विजर्ड टावर से हम बच पाते या नहीं। और ये विजर्ड टावर से हम बच जाएंगे क्योंकि विजर्ड टावर का फोकस जो है वो पैकअप है और अब सिर्फ बचा है एक कैनन डिफेंस में, तो इसीलिए सारे डिफेंसेस अब डाउन हो चुके हैं, तब टाइम भी बहुत बचा है, तो बैट्स स्पीडीली एक्ट करेंगे तो हमारा अटैक इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा एक 3-स्टार अटैक विदाउट वार्डन और विदाउट रॉयल चैंपियन हम अटैक कर रहे हैं गाइस, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन अगर आपके पास हो तो आप इजीली 3-स्टार कर सकते हैं ये चारों में से कोई भी आर्मी यूज़ कर टाउन हॉल 13 और 14 के ऊपर। तो कीप सपोर्टिंग मी गाइस, मैं लाता रहूँगा आपके लिए नए नए वीडियोस। इसी के साथ हमारा अटैक भी होने वाला है 3-स्टार, तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो। तो चलिए गाइस अब मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून, कीप सपोर्टिंग मी एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन गाइस। और इसी के साथ हमारा अटैक हो चुका है यहाँ पर 3-स्टार, तो चलिए गाइस गुड बाय, अब मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, स्टे ट्यून गाइस।